75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। निवेदक प्रमोद कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी दातागंज जनपद बदायूं। राज्य मेडिकल स्टोर की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक राजकमल ग्राम दातागंज बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक रजत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी भगवान दास, ग्राम प्रधान गड़ा विकास समृद्ध बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक रजत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी प्रेम पाल, ग्राम प्रधान अंगदपुर विकास क्षेत्र समरेर। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को व दातागंज क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक श्रीमती सरिता राठौर, ग्राम पंचायत अधिकारी चंद्रभान सिंह, ग्राम पंचायत सराय पीप्रिया विकास क्षेत्र जनपद बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक सत्यपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी किरण भारती, पत्नी राजकमल, ग्राम प्रधान खानपुर दया विकास क्षेत्र समरेर बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक सेवाराम, ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती चमेली देवी, पत्नी श्रीपाल, ग्राम प्रधान गदरौली क्षेत्र समरेर बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के सभी देशवासियों को व दातागंज क्षेत्रवासियों को उप जिलाधिकारी दातागंज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दातागंज क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव को हर घर तिरंगा फहराकर मनाएं एवं तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका सम्मान करें। निवेदक राम शिरोमणि, उप जिलाधिकारी दातागंज। शिवोम नर्सिंग होम दातागंज की तरफ से सभी क्षेत्र वासियों व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। निवेदक डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर प्रिया सिंह, शिवोम नर्सिंग होम बरेली बाईपास रोड दातागंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। 76वां स्वतंत्रता दिवस देश जश्न के साथ मना रहा है। ऐसे में सुबह लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही। ऐसे में हम आपके लिए 10 बड़ी बातें लेकर आए हैं। सबसे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बात का। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देने के साथ की। साथ ही पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को और भारतीयों को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। यानी कि अपना शुरुआत जो है भाषण की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई और जो भारत के प्रति प्रेम करता है उनको बधाई देते हुए की। अब आगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में कहा, न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना बल्कि दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों ने या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वाले विश्व के हर कोने में ये हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। पीएम मोदी ने तीसरी बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कह रहे थे कि हिंदुस्तान का कोई कोना, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग ना की हो, जीवन ना खपाया हो, यातनाएं ना झेली हो, आहुति ना दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी और बलिदानी को नमन हम करते हैं। तो तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंचे और गॉड ऑफ ऑनर, साथ ही साथ जो गौरव था भारत का वो देखते ही बन रहा था। चौथी बात,
कहा कि आज ये दिवस हमारे लिए ऐतिहासिक है, एक पुण्य पड़ाव एक नई राह है, इसके अलावा एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। हम सभी को एक नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा, यानी कि सीधे तौर पर कहा कि आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है, नए संकल्प होने जरूरी हैं क्योंकि नए संकल्पों के साथ हम आगे तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। पांचवी जो बड़ी बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक अलखां, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे अनगिनत हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। आज़ादी की जंग लड़ने वाले और आज़ादी के बाद देश बनाने वाले भी अनेक महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। महापुरुषों को आज हम नमन करते हैं। जो छठी महत्वपूर्ण बात थी, पीएम ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान देशवासियों ने देश के हर कोने में लक्ष्यावधि कार्यक्रम किए हैं। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद एक पहली घटना हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है, इस उत्सव में पूरा देश एक साथ है, पूरा देश इस उत्सव को धूमधाम के साथ देश के कोने कोने में मना रहा है, और जो भारत प्रेमी हैं, जो बाहर के हैं, वो भी इस महापर्व को मना रहा है। जो सातवीं बात थी वो मैं आपको बता रही हूँ। पीएम कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर कोने में उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया गया है जिनको किसी ना किसी कारणवश इतिहास में जगह नहीं मिली या उनको भुला दिया गया था। आज देश ने खोज खोज कर ऐसे वीरों, महापुरुषों, बलिदानियों, सत्याग्रहियों को याद किया है और नमन भी कर रहे हैं। आज देश बलिदानियों को नमन करता है, याद करता है। जो आठवीं बड़ी बात थी वो हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले और देश की सुरक्षा करने वालों के साथ देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हों, पुलिसकर्मी हों, जनप्रतिनिधि हों, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के प्रशासक रहे हूं, सभी ने बढ़ चढ़कर इस महोत्सव में अपना योगदान दिया है, जिसकी एक से एक झलक और एक से एक सुंदर तस्वीर जो है वो सामने आई है। कई तस्वीरें तो ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया है। जो नवी बात थी, पीएम मोदी ने कहा कि हमें अंग्रेजों के जैसे दिखने की जरूरत नहीं है, गुलामी की मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे और विश्व को समाधान देंगे। दुनिया आज भारत से प्रभावित हो रही है। हम वो लोग हैं जो प्रकृति के साथ रहना जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का हल हमारे पास है, लेकिन हमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना है और हर तरह से जीतना है। पीएम मोदी की दसवीं और आखिरी बात ये थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प बड़ा था तो हम आज़ाद हो गए, अगर संकल्प छोटा होता तो आज भी संघर्ष कर रहे होते। 75 साल में आज इन सबको और देश के कोटि कोटि नागरिकों को, जिन्होंने 75 साल में अनेक कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हो सका वो करने का प्रयास किया है, यानी कि संकल्प बड़ा था तभी हम आज़ाद हुए हैं, वरना आज भी हम गुलाम ही रहते। लेकिन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से साफ कह दिया है कि ये 25 साल आने वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं और महिलाओं को भी आगे बढ़ना है, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इन 25 सालों में हमें देश को पूरी तरह से विकसित करना है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 बड़ी बातें थीं जो आज के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को समर्पित की है। और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। पिछहत्तरवे स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को व दातागंज क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक ग्राम प्रधान कुलदीप कुमार सिंह, ग्राम पंचायत विहारीपुर, अजब विकास क्षेत्र दातागंज जनपद बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस के सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक लखमेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, दीपक कश्यप, ग्राम प्रधान पापड़ हमजापुर विकास क्षेत्र दातागंज बधाइयों। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों,
क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मनवीर सिंह, एआरपी बीआरसी सेंटर दातागंज जनपद बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक रजत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी मेवाराम, ग्राम प्रधान कलियाही विकास क्षेत्र समरेर बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक नवनीत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी प्रेमवती पत्नी चंपत राम, ग्राम प्रधान खुकड़ी विकास क्षेत्र समरेर बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। निवेदक प्रमोद कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी दातागंज जनपद बदायूं। राज मेडिकल स्टोर की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक राजकमल, ग्राम सुखोरा दातागंज बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक रजत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी भगवान दास, ग्राम प्रधान गड़ा विकास क्षेत्र समरेर बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक रजत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी प्रेम पाल, ग्राम प्रधान अंगदपुर विकास क्षेत्र समरेर बधाइयों। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को व दातागंज क्षेत्र वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक श्रीमती सरिता राठौर, ग्राम पंचायत अधिकारी चंद्रभान सिंह, ग्राम पंचायत सराय पीप्रिया विकास क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक सत्यपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी किरण भारती पत्नी राजकमल, ग्राम प्रधान खानपुर दया विकास क्षेत्र समरेर बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक सेवाराम, ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती चमेली देवी पत्नी श्रीपाल, ग्राम प्रधान गदरौली विकास क्षेत्र समरेर बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को व दातागंज क्षेत्र वासियों को उप जिलाधिकारी दातागंज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दातागंज क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव को हर घर तिरंगा फहराकर मनाएं एवं तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका सम्मान करें। निवेदक राम शिरोमणि, उप जिलाधिकारी दातागंज। शिवोम नर्सिंग होम दातागंज की तरफ से सभी क्षेत्र वासियों व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। निवेदक डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर प्रिया सिंह, शिवोम नर्सिंग होम डेली बाईपास रोड दातागंज। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक आकाश राठौर, ग्राम विकास अधिकारी तपन कुमार सिंह, ग्राम प्रधान पंचायत कुडरा मजरा विकास क्षेत्र दातागंज बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक ब्रजेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी यशवती राठौर पत्नी राममूर्ति राठौर, ग्राम प्रधान दुधारी हासिम का क्षेत्र दातागंज बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक ब्रजेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी सावित्री देवी, ग्राम प्रधान सेजनी विकास क्षेत्र दातागंज बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के सभी ग्रामवासियों देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक ब्रजेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी सुमित कुमार सिंह, ग्राम प्रधान अंधरौ विकास क्षेत्र दातागंज बदायूं। ग्राम पंचायत पलिया गुजर की तरफ से सभी क्षेत्र व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक ग्राम प्रधान धन सिंह देवी शाक्या, प्रधान पति राजपाल शाक्या, ग्राम पंचायत पलिया विकास क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं।
इस्लाम अली धार्मिक प्रत्याशी नगर पंचायत बढ़नी चाफा अपने बढ़नी चाफा वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आदि बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जफर अहमद पूर्व बब्बू चेयरमैन डुमरियागंज नगर पंचायत के वासियों को 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं देशवासियों को भी 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर मैं अपने देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ और डुमरियागंज के क्षेत्रवासियों को भी बधाई देना चाहती हूँ कि आज के दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। हम लोग अपने दफ्तर ऑफिस घरों पे तिरंगा ध्वज फहराते हैं।